अभी जो बच्चे जुड़े हैं, बेटा बता दूं मैं, आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दो टॉपिक कराऊंगा और दोनों ही टॉपिक से मिनिमम एक एक मार्क्स आएगा आपका। मिनिमम एक एक नंबर तो हर एक टॉपिक से आएगा जो मैं करा रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम कराते हैं चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक। स्क्रीन सभी को दिख रही होगी, दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। सभी को दिख रही है? एक मिनट, देखो बेटा, कंसेप्ट ये कहता है कि यदि हमें एक लाइन किसी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल दे रखी है, देखो कैसे देंगे ट्रायंगल के अंदर, मतलब ट्रायंगल अलग होगा हमारा और लाइन अलग होगी। देखो डायग्राम मैंने बना लिया है पहले से ही, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारा। यहां हमारी ये जो DE साइड है, ये आपको दिख रही होगी DE, ये साइड हमारे BC के पैरेलल दे रखी है। डी और ई AB और AC पर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स हैं। डायग्राम हो सकता है वो बना के दे दे, हो सकता है आपको बनाना पड़े, तो ध्यान रखें इसे इस बात का। पहला क्वेश्चन, तो अगर कभी भी एक ट्रायंगल के अंदर आपको ये दिख जाए कि ये वाली साइड इसके पैरेलल आ रही है, आंख बंद करके BPT लगा देना। जैसे पाइथागोरस के लिए मैंने बता रखा है ना, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का दिख जाए और उसमें साइड्स की बात हो रही हो, तो आंख बंद करके पाइथागोरस लगा देना। तो ध्यान रखें इस बात का, अगर ट्रायंगल में हमें दिख जाए कि इसकी जैसे ये वाली BC साइड हमारी DE साइड के पैरेलल है, तुरंत BPT लगा देनी है। अब BPT हमें देती है 4 कंक्लूजन, 3 नहीं 4। अब तक हमने 3 कंक्लूजन पढ़े थे, अब क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मैं 4 कंक्लूजन बता रहा हूं, तो इन्हें ध्यान से समझ लो। अगर ये चारों कंक्लूजन समझ में आ गए तो पक्का एक नंबर तैयार हो गया, BPT से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। एक बात तो ये याद कर लेना बेटा, BPT थ्योरम की फुल फॉर्म जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है। हो सकता है एक क्वेश्चन इसी का बना डाले, या इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम, तो ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो बनाना चाहे तो एक क्वेश्चन इसका भी बना सकता है। साथ में वैल्यू निकालने के लिए तो 100% एक क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए जिससे आइडिया लगेगा हमें। अच्छा पहले कंक्लूजन बता दूं मैं। देखो बेटा, पहला कंक्लूजन क्या निकलता है, AD ये वाली AD का अनुपात यदि DB के साथ निकालें और AE का अनुपात EC के साथ निकालें, ये दोनों अनुपात बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें दिया है कि DE पैरेलल टू BC है, ये कहती है BPT थ्योरम। इतनी छोटी सी BPT थ्योरम है, ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर इस तरह से दे रखा है कि DE पैरेलल टू BC, तो हम कह सकते हैं यहां हमने A से स्टार्ट हुए, A से गए हम D पे, फिर D से गए B पे, इधर A से स्टार्ट हुए, ए से गए ई पर और ई से गए सी पर, तो ए डी का अनुपात DB के साथ बराबर होगा ए ई का अनुपात EC के साथ। पहला कंक्लूजन तो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंक्लूजन। अगर ये कंक्लूजन समझ में आ गया तो फिर मैं आगे के और कंक्लूजन आपको बता दूं। बताइए किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछो जल्दी से।
चलिए देखिए बेटा, दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम इसमें दो ट्रायंगल हैं, इसमें मैं दोनों को अलग अलग बना के दिखाता हूं आपको, देखो बेटा, सॉरी देखिए बेटा, ये है ट्रायंगल एडीई, एडीई, और एक ट्रायंगल है एबीसी, दोनों दिख रहे होंगे, एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं इसको, ये येलो कलर का कर दिया मैंने जिससे दिख जाए, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारी जब साइड, ये वाली डीई साइड जो है बीसी साइड के यदि पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वन, ये एंगल टू के बराबर होगा, क्योंकि करक्ट हमारी थ्योरम थी करक्ट, अगर दो पैरेलल साइड है तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो और एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, देखो ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, तो ए तो हो गया हमारा कॉमन, साथ की साथ डी हमारा बराबर हो गया बी के, कारण करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने ये बता रखा था यदि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं। तो आप देखो इसमें कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, उसी से हम तीन कंक्लूजन निकालेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले ऊपर वाला भी दिखता रहे तो मैं छोटा कर देता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने देखा यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है, ये जो ए एंगल है छोटे वाले में, इसके सामने साइड आ रही है डीई, और जबकि बड़े वाले में ए के सामने साइड आ रही है बीसी, तो अनुपात उसी आधार पर होता है बराबर। यहां पर जो ये टू कट वाला एंगल है, ये हमारा बी के बराबर था, बी के बराबर था, तो इसका मतलब इधर डी के सामने है एई और यहां बी के सामने है एसी। अब यहां जो एंगल नहीं लिया उसके सामने साइड बची एडी, और यहां जो एंगल नहीं लिया उसके सामने साइड बची एबी। तो ये कंक्लूजन हमारा सिमिलर ट्रायंगल से आया है, सिमिलर ट्रायंगल। ये कंक्लूजन हमारा सिमिलर ट्रायंगल से आ गया कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पक्का उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा जल्दी। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये ए डी का अनुपात है, अगर ए बी के साथ निकालें बड़े वाले के साथ, और ए ई का अनुपात ए सी के साथ निकालें, ये भी अनुपात हमारा बराबर होगा, क्योंकि हमारे ये दोनों रेशियो सेम थे। ये बनाया कैसे हमने? सबसे पहले हमने कर दिया इसको उल्टा, रिवर्स, इधर बन गया ये बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए। अब दोनों साइड में हमने क्या किया? प्लस वन कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो ये बन गया बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। तो यहां से बी डी में जब ए डी जोड़ा तो ये बन गया ए बी, और इधर ई सी में जब ए ई जोड़ा तो ये बन गया ए सी।
तो इस आधार पर हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया। अब यहां देखो, ये जो ए बी आ रहा है, ये वाला ए बी ए डी के साथ अनुपात आ रहा है, ए डी के साथ आ रहा है। इधर ए ई का अनुपात ए सी के साथ आ रहा है। देखो यहां तक कंक्लूजन दोनों समझ में आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर दे रखे हैं सिमिलर ट्रायंगल से, और ये दोनों बराबर हुए थे हमारे ऊपर वाले कंसेप्ट से, तो इसका मतलब ये तीसरा भी बराबर हो जाएगा। जो डीई है ये, इसका अनुपात बी सी के साथ भी बराबर हो जाएगा। तो ये तीन रिलेशन और निकालने आपको। मोटा मोटा अगर आपको समझना ज्यादा नहीं है तो सीधा सा याद कर लो। देखो ये कंक्लूजन, सबसे पहले यदि डीई समांतर दे रखी है बीसी के, तो एक तो ए डी का अनुपात डी बी के साथ निकाले, ए डी का अनुपात डी बी के साथ निकाले, और एक ए ई का अनुपात ई सी के साथ निकाले, ये बराबर होगा। ये तो पहला कंक्लूजन हो गया जो डायरेक्ट बीपीटी कहती है। सेकंड कंक्लूजन हमने निकाला कि अगर हम यहां छोटी वाली साइड ले ले एडी, और यहां बड़ी वाली साइड ले ले एबी, लेंगे ए वाली साइड की, यहां से एई ले लिया छोटी वाली और बड़ी वाली ले ली एसी, ये भी बराबर होगा। साथ में एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि अगर छोटी वाली साइड ये वाली ले ली जाए बीडी वाली, बीडी का अनुपात बड़ी वाली साइड के साथ निकाले एबी के साथ, साथ ही सीई का अनुपात अगर हम बड़ी वाली साइड एसी के साथ निकालें, ये भी बराबर होगा। और तीस जो चौथा कंक्लूजन है वो निकलता है हमारा, ए डी का अनुपात अगर ए बी के साथ निकालें तो ये जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा हमारा, ए डी का हमने ए बी के साथ निकाला, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, तो छोटे वाले ट्रायंगल में डी ई आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी आ रहा है, ये भी आपस में बराबर होगा। तो ये ध्यान रख लें, ये निकला कैसे ये भी बता दिया मैंने, किसका किसके साथ निकालना है। अगर ये चारों कंक्लूजन याद हो गए तो बेटा बीपीटी का क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। देखो चार क्वेश्चन बनाए मैंने बीपीटी के, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है ये कंक्लूजन आपको याद हो जाए। देखो चारों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हमें बताया गया है कि ये जो एस टी है ये साइड हमारी क्यू आर के पैरेलल है। देखो बेटा ये लिख रखा है, थोड़ा सा घिचपिसा हो गया है, मैं ऊपर दोबारा से लिख देता हूं। ये पैरेलल का साइन है दो डंडे से। तो मैंने कहा था किसी ट्रायंगल में अगर पैरेलल साइड मिल जाए तुरंत खुश हो जाना, खुश हुए हम। अब इसमें इसका मतलब बीपीटी कहती है कि पी एस का जो अनुपात है एस क्यू के साथ निकालें, पी टी का अनुपात टी आर के साथ निकालें, आंसर सेम होगा। तो देखो जरा, पी एस की वैल्यू 3, एस क्यू की वैल्यू 5, पी टी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, टी आर की वैल्यू 2। क्या इसे सॉल्व करके मैं पीटी नहीं निकाल सकता, क्योंकि निकालना क्या है मुझे पीटी। तो सॉल्व कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 2 6, 5 इधर ही रहने दो क्योंकि पीटी की वैल्यू निकालनी है। मेरा आंसर आया 6/5, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आ गया बेटा सबको समझ में?
नेक्स्ट देखिए, अब की बार भी उसने दे रखा है ये जो बीई साइड है ये डीई साइड के पैरेलल है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, अब देखिए यहां पर लेंथ ये दोनों ना देखे उसने ये वाली दे दी, तो इसका मतलब अब हमें कंक्लूजन से काम करना पड़ेगा। अब कंक्लूजन क्या कहता था, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड लो ए बी, अब ए के साइड इसमें ही बड़े वाले ट्रायंगल की ले लो ए डी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर दोबारा बना के दिखाऊं तुम्हें, ये तो हो गया मेरा छोटा वाला और ये हो गया मेरा बड़ा वाला। देखिए इसका नाम हो गया ए बी सी और इसका नाम हो गया ए डी ई। देखो ये ए बी वाली साइड है ना, वो इसके साथ आ रही है, तो इसका मतलब ए बी का अनुपात ए डी के साथ लेना है, छोटे वाले का बड़े वाले से। इसी तरह यहां छोटे वाले का क्या होगा बी सी और यहां बड़े वाले का क्या होगा डी ई। तो इसका मतलब वैल्यू डाल दो, ए बी की वैल्यू 2, ए डी की वैल्यू देखो ए डी ए से डी तक ये 7 है, 5 नहीं है, क्योंकि 5 तो क्या उसने बी से डी तक दे रखा है। तो अगर ए डी निकालूंगा तो इन दोनों का प्लस होगा या नहीं होगा, बी सी 3 दे रखा है, डी ई मुझसे निकलवा रहा है। तो यदि मुझे ये कंक्लूजन पता था तो बड़े प्यार से मैं डी ई की वैल्यू निकाल दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 3 21 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 21/2, तो सी वाला मेरा आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सेम बीच वाली वैल्यू निकालनी है, जबकि डी ई हमारा बी सी के पैरेलल दे रखा है, ये जो डी ई साइड है ये बी सी के पैरेलल दे रखी है। तो देखिए बेटा हमने कि अब की बार इधर वाली साइड दे रखी है, हमारे लिए तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दो ही है, तो पहले छोटा ट्रायंगल बना लिया मैंने अलग से, ए डी ई, और एक बार बड़ा ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब देखिए जरा यहां पर ये वाली साइड एक्स दे रखी है, ये वाली 8 दे रखी है, ये बड़ी वाली साइड हो जाएगी मेरी क्योंकि इन दोनों को मिला के बन रही है ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगी मेरी 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर, अब निकालना मुझे ये वाला है। तो देखो जरा, देखो इस वाली साइड का अनुपात छोटी वाली का, छोटा ट्रायंगल है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो हमें ए ई का अनुपात ए सी के साथ, इधर छोटे वाले ट्रायंगल का, क्योंकि ऊपर हमेशा छोटा लेना है तुम्हें, तो जिससे कि कभी गलती होगी नहीं, कभी ऊपर कभी बड़ा ऊपर कभी नीचे छोटा कभी ऊपर उल्टा कर दिया तो गलती होने के चांसेस है। आप हमेशा याद रखो छोटे वाले को ऊपर रखो, कभी गलती नहीं होगा। ए ई की वैल्यू 8, ए सी की वैल्यू 10, डी ई की वैल्यू एक्स और बी सी की वैल्यू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया मेरा 10। 2 से काट लिया 4 times, दिस 5 times, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू हो गई 24/5। ऑप्शन दे नहीं रखा इसमें, अगर 24/5 जो भी ऑप्शन आता वो हमारा आंसर हो जाता। और देखिए क्वेश्चन, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक काम नहीं चलेगा। देखिए बेटा केवल इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो बीपीटी समझ में आ जाएगी। अब पहले ये 2 ट्रायंगल्स बना देता हूं मैं, एक छोटा ट्रायंगल ये इधर शेप का बनाया है तो मैंने इसको भी शेप यही बना दी, देखिए पी की तरफ बनाना है, ये देखिए
ये ट्रायंगल बन गया मेरा, एक मैं बड़ा वाला बना देता हूं, ये देखिए अब इनका नाम रख दिया मैंने, छोटे वाले का पी एक्स वाई, ये वाई है बेटा, ये आर, ये क्यू और ये वाला पी, ये पी पी दोनों के सेम आ रहे, सॉरी ये पी हो गया, ये वाला तो पी है। चलिए देखिए ये एक्स निकालना है, ये वाला एक्स, एक्स आर, लेकिन एक्स आर इसमें आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, पहले हम पी आर निकाल लेंगे और पी आर में से यदि पी एक्स माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो ठीक है कोई परेशानी नहीं। चलिए देखा, पहले रेशियो लिखा, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये पी के इधर वाली साइड आ रही है पी एक्स और ये बड़ी वाली साइड आ रही है पी आर, अगर इधर वाली साइड देखें एक्स वाई छोटे वाले में और आर क्यू बड़े वाले में, अगर हम बची हुई साइड का भी अनुपात निकालना चाहें तो पी वाई छोटी वाली और पी क्यू बड़ी वाली, ये हमने क्योंकि हमें पता पड़ गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया और एक एंगल कॉमन हो गया पी वाला, तो इससे ये दोनों सिमिलर होंगे, तो हमने तो सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। अब हमने देखा यहां पे पी क्यू अपॉन क्यू वाई क्यू का रेशियो दे रखा है, पी क्यू, पी क्यू और वाई क्यू, पी क्यू, एक मिनट, पी क्यू देखो ये वाला है पी क्यू, ये सेवन है, इसको यहां पे लिख लो, तो दूसरे पेन से लिखूं दिख जाए तुम्हें, ये सेवन है, पी क्यू सेवन है और जबकि पी वाई, पी वाई हमारा, पी वाई ये दे रखा है वाई क्यू दे रखा है, वाई क्यू दे रखा है थ्री, तो अब तुम मुझे बताओ बेटा अगर ये सेवन है पूरा, ये थ्री है, तो क्या इसे नहीं निकाल सकता मैं कि ये फोर आएगा, तो इसलिए पी वाई की जगह मैं लिख सकता हूं फोर और जबकि पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं सेवन। अब यहां पे आ जाइए, हमें पी आर दे रखा है, पी आर देखो, पी आर, पी से आर तक, पी पी आर इस वाले में आ रहा है, पी आर की जगह हम लिख सकते हैं 6.3, तो इससे पी एक्स हमें पता नहीं है, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी पी से एक्स तक की वैल्यू निकल जाएगी, अगर पी से एक्स तक की वैल्यू निकल जाएगी तो अगर हम पी आर निकाल लें सिमिलर ट्रायंगल से, तो उस पी आर में से पी एक्स यदि माइनस कर दें तो हमारी एक्स आर की वैल्यू आ जाएगी, तो सिमिलर ट्रायंगल और लगाना पड़ेगा इसमें, उसके बाद हमारी वैल्यू निकल जाएगी आर एक्स की। तो बेटा ध्यान रखें इस बात का, ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, इसमें एक सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा दिया हमने, तो सबसे पहले पी एक्स की वैल्यू तो निकाल के रख ही लेना, 6.3 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 नीचे, ये जो पी एक्स की वैल्यू आई है इसको यूज कर देंगे हम बीपीटी को, नॉर्मल वाली, नॉर्मल वाली बीपीटी क्या कहती थी, पी वाई का अनुपात वाई क्यू के साथ और इधर पी एक्स का अनुपात एक्स आर के साथ बराबर होगा, तो पी वाई हमें 4, वाई क्यू 3, पी एक्स हमारा ये निकल जाएगा जो भी सॉल्व करने के बाद निकले, और एक्स आर की वैल्यू निकालनी है वो निकाल देंगे। समझ में आ गया होगा, इस तरह से बेटा हम बीपीटी थ्योरम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम में और इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बन सकते। मेन चीज है कंक्लूजन, कंक्लूजन मैं दोबारा फिर एक बार और बता रहा हूं, जिससे इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की, अगर कंक्लूजन सही निकाल दिया तो ये मान के चल
आराम से बीपीटी सही 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 करके आओगे तो। मान लो ये ट्रायंगल है मेरा और इसमें इधर की साइड कर लेता हूं, की बार ये वाली साइड हमारी पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल का साइन लगा दिया हमने, जिससे थोड़ा सा अजीब और लगे तुम्हें, पी क्यू आर, और इसके नाम रख देते हैं ए, एक मिनट मिला, इसे हटाना पड़ेगा। चलो इसका नाम रखा था हमने ए बी। अब देखो बीपीटी डायरेक्ट क्या कहती है, अगर ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, देखो दोनों येलो कलर कर दी मैंने, तो बीपीटी कहती है कि जो ये बड़ी वाली साइड है ना, इसके अपोजिट जो एंगल आ रहा है ये वाला, यहां से शुरू करेंगे खेल। तो जब यहां से खेल शुरू किया तो सबसे पहले पी से जाएंगे हम ए के पास, तो पी ए, फिर ए पे पहुंच गए, ए से हम जाएंगे हम क्यू के पास, तो ए से पहुंच गए क्यू के पास, इन दोनों का निकाल दिया अनुपात। अब फिर से पी के पास आ जाएंगे, अब पी से जाएंगे हम बी के पास, अब बी से हम जाएंगे आर के पास, ये कंक्लूजन है बस। कंडीशन क्या है, एक साइड पैरेलल दे रखी है, वो भी क्या नाम है उसका, ए बी पैरेलल टू क्यू आर। यदि कभी भी इस तरह से दे रखा है तुरंत ये कंक्लूजन निकालते हैं, और ये कंक्लूजन हमने किससे निकाला, क्योंकि हमसे थेल्स भाई ने कहा था, जो थेल्स थ्योरम थी वो थेल्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डेवलप की थी, इसीलिए उस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो थेल्स भाई साहब ने जो कहा हमने वो मान लिया। सेकंड कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम यहां पर पी से क्यू पर चले जाएं, बड़े वाले में देखो पी से क्यू पे चला गया, ठीक है, बड़ा वाला, और बड़ा वाला मैंने कहा था हमेशा नीचे लिखना है, तो इधर की साइड गए हो ना, तो इसलिए यहां से पी से ए पे जाना पड़ेगा, इधर की साइड आ जाओ, यहां पी से बी पे जाना पड़ेगा छोटी वाली, और बड़े वाले ट्रायंगल में पी से आर पे जाना पड़ेगा। तो एक कंक्लूजन हमारा ये था, ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन था बीपीटी का, ये हमारा ड्राइव कंक्लूजन है जो हमने बनाया है। तीसरा कंक्लूजन क्या था, अब की बार तो हमने पी ए साइड ली थी छोटी वाली, अब पी ए ना लेके ये जो बची हुई साइड है ना इसे ले ले, क्यू ए को ले ले। देखो दूसरा मार्कर लगाऊं, अब की बार मैंने ये क्यू ए को लिया, तो इधर की साइड भी बची हुई साइड ही लेनी पड़ेगी मुझे, तो यहां पर मैंने क्यू ए के साथ में, क्योंकि क्यू ए कौन सी बड़ी वाली साइड आ रही है, पी क्यू, बड़ी साइड तो वही लेनी पड़ेगी। अब यहां पे लिया बी आर लिख दूं इसको, या आर बी लिख दूं, एक ही बात है बेटा, और साइड कौन सी है, पी आर। एक कंक्लूजन हमारा ये निकलता है, और सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक कंक्लूजन, सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक है, अगर पी से ए पे गए छोटे वाले ट्रायंगल में, तो पी से क्यू पे चले जाओ बड़े वाले में, तो ये जो छोटे वाले ट्रायंगल में साइड बची है पैरेलल वाली, तो इसमें भी छोटी वाली साइड ऊपर और बड़ी वाली साइड नीचे, ये रेशियो भी आपस में बराबर होता है। ये तीनों कंक्लूजन मैंने सिमिलर ट्रायंगल के आधार पर बीपीटी को लगा के निकाले, जैसा मैंने बताया था प्लस वन करके कर देते हैं। आपको वो नहीं समझना कैसे निकाला, आपको तो डायरेक्ट याद करना है कि ऐसा होता है। बोलो बेटा बीपीटी अच्छी तरह समझ में आ गई, किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई बच्चा माइक ऑन करके बताओ कोई परेशानी है तो।
सत्यम, कोई परेशानी है बेटा? माइक ऑन करो। बेटा मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी, कैसे नहीं आ रही? हेलो बेटा, चैट बॉक्स में लिख, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हेलो, यस सर। हाँ आ गई बेटा, आ गई। कोई परेशानी? इतनी नो खतरनाक सर। थ्योरम है बीपीटी। चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, अब एक ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट और कर लेते हैं बेटा, इसी के साथ मिनिमम दो नंबर तैयार हो जाएंगे हमारे। चलिए बेटा, एक बार मैं क्लास को एग्जिस्ट करूंगा जिससे इन दोनों वीडियोस को अलग अलग डाउनलोड कर दूं मैं, ठीक है बेटा? एक बार एग्जिस्ट कर रहा हूं क्लास को, फिर दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको।